नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। वेलकम टू बीइंग शक्ति। थैंक यू सो मच सिस्टर। लास्ट एपिसोड में आपसे बात हो रही थी कि अबाउट शक्ति एंड वीकनेस, तो मैं सोच रहा था कि ये अपने आप को वीक बोलना थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि यू फील देन यू स्टार्ट फीलिंग मोर वीक और अपने आप को कमजोर लगते कि क्या मैं इतना वीक हूं कि कोई कुछ बोल दे तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो मैं समझ रहा था नेचुरल है, किसने बोला और मैं चिढ़ गया, सो व्हाट। इसने बोला तो मैं चिढ़ गया, सो व्हाट नहीं, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। नो, छोटा बच्चा भी चिढ़ता है ना, जो खिलौना मांगता है नहीं दो तो चिढ़ जाता है, ये करो तो। फ्रॉम चाइल्डहुड ऐसे बाय नेचर है ना, उसको तो किसी ने नहीं सिखाया। बाय नेचर वो आत्मा ने पिछले कॉस्ट्यूम से कैरी फॉरवर्ड किया ना, इसीलिए बच्चे भी तो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बच्चों के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत शांत है, कुछ बच्चों के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत जल्दी जल्दी रोता है, कुछ बच्चों के लिए कहते हैं ये बच्चा ज़्यादा गुस्सा करता है, किसी बच्चे के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत हंसमुख है। बच्चे भी एक जैसे थोड़ी होते हैं। अगर बाय बर्थ होता है, व्हिच वी आर सेइंग कि बाय बर्थ कैसे आया, तो बाय बर्थ सारे आइडेंटिकल थोड़ी होते हैं, बाय बर्थ सारे अलग अलग होते हैं। क्यों हर बच्चा अलग अलग होता है? क्योंकि हर बच्चा क्लीन स्लेट नहीं स्टार्ट हो रहा। हमने सोचा बच्चा मीन्स स्टार्टिंग, इट्स नॉट अ स्टार्टिंग, इट्स ओनली अ न्यू बिगिनिंग आफ्टर अ कैरी फॉरवर्ड। जैसे हम कैमरा में कट करते हैं शॉर्ट, बीच में अगर कोई डिस्टर्ब हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम 31 मार्च को कहते हैं ये साल पूरा हुआ, नया खाता शुरू हुआ, न्यू बिजनेस ईयर। लेकिन न्यू बिजनेस ईयर डजंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, न्यू बिजनेस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द कैरी फॉरवर्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर न्यू बिजनेस जीरो से शुरू हो तो मेरी पिछली 20 साल की कमाई और मेहनत का क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी पिछली 20 साल की कमाई और मेहनत का क्या होगा? अब कमाई हमारी दो तरह की हो सकती है, या तो हमारा बहुत प्रॉफिट था पिछले 20 सालों में, या लॉस था, इट डजंट मैटर, स्टार्ट तो उधर से ही होना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी कि हर 31 मार्च को हम 00 पे आ जाएं और स्टार्ट करें। सो इट कैन नॉट बी कि हर बच्चा 00 से स्टार्ट करे अपनी बैलेंस शीट को, एकदम फ्रेश स्टार्ट करे। हर बच्चा अपने पिछले 20 साल नहीं, लेकिन अपने पिछले सारे जन्मों का कैरी फॉरवर्ड संस्कार लेकर इस जन्म को स्टार्ट करता है। और इसीलिए बच्चे के अंदर भी हमें ये सारे संस्कार दिखाई देंगे, क्योंकि 2 साल पहले वो बच्चा एक 80 साल के शरीर में था, तो वो संस्कार तो दिखाई देंगे। अब आपने कहा समवन सेड समथिंग, आई गॉट डिस्टर्ब्ड, सो व्हाट, बट देन वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम सो मेनी थिंग्स। आई गॉट डिस्टर्ब्ड, खुशी गई, शांति गई, मन उथल पुथल में आया, 1 घंटा उसका प्रभाव रहा, रिश्ता अफेक्ट हुआ, शब्द भी कुछ मुख से गलत निकल गए, राइट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने देखा कि शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ा। और रात को खाना खाते समय फिर शक्ल देख ली तो खाना रोक दिया, खाना भी रोक दिया, और रात को नींद भी नहीं अच्छी आई। तो सो व्हाट जो आपने कहा ना, फिल इन द ब्लैंक, सो दिस, सो मेनी थिंग्स। सो वी कैन नॉट से सो व्हाट, वी विल इनफैक्ट हैव टू से सो मच। इतना कुछ हो गया उस 1 घंटे में डिस्टर्ब होने की वजह से। एंड नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 घंटे में जब हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं तो वो कोई उस दिन की लास्ट सिचुएशन भी तो नहीं थी। उस 1 घंटे में डिस्टर्ब होने से हमारी मन की शक्ति क्या हुई? डिप्लीट होती, थोड़ी सी डिप्लीट होती गई। आधे 1 घंटे के अंदर कोई और बात आएगी, कोई और बात भी तो आएगी, अब कोई और कुछ कहेगा, कुछ और हमारे अनुसार नहीं होगा। तो क्योंकि वो मन पहले से ही फ्लक्चुएटिंग स्थिति में तो था, जल्दी आग में घी का 1 चम्मच और डाल और दिया, डाला तो आग तो बहुत ज्यादा अब उड़गी, बढ़ेगी। तो अब सो व्हाट का इम्पैक्ट और देखें। अब ये सिर्फ पूरे दिन की एक सिचुएशन नहीं आती ना, अगर एक सिचुएशन आए पूरे दिन के अंदर हम डिस्टर्ब हो, फिर 1 घंटे में 2 घंटे में हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन, सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन, पीपल आफ्टर पीपल आफ्टर पीपल, हर एक हमारे अनुसार नहीं होगा। दिस इज डीप 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 रियलाइजेशन एंड डीप 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 प्रोग्रामिंग। लोग सिचुएशन, लोगों के सेंटेंसेस, लोगों के बिहेवियर मेरे अनुसार नहीं होंगे अगर हर बात को, बट एक चीज मेरे अनुसार एक ही चीज
कभी और वो मेरे अनुसार हो सकती है और कभी किसी टाइम पे ये मेरे अनुसार वही चीज नहीं हो, और वही सेम चीज कोई मेरा अपना बोले और कोई दूसरा बोले, या एक्स वाई जेड में मेरी चॉइस का पर्सन बोले मुझे अच्छा लगता है, वही चीज कोई दूसरा बोले बुरा लगता है, फिर वो चीज के अनुसार की तो बात हो ही नहीं ना। राइट, फिर मेरी चॉइस आ गई, यहाँ चॉइस आ गई ना, तो चॉइस तो है। मैं कई बार मेरे घर पे भी बोलते हैं, साहब डांटेंगे तो ठीक है, आप मुझे मत डांटो। अब एक मेरे एक स्टाफ की बात कर रहा हूं, मैं डांटू ही से एक्सेप्टेबल है, वो बोलते तुम नहीं। तो उस आत्मा ने अपनी प्रोग्रामिंग कर लिया, ठीक है ना, उस आत्मा ने प्रोग्रामिंग कर लिया कि ये डांटेंगे तो इट्स फाइन विद मी, ये डांटेंगे तो आई विल गेट डिस्टर्ब्ड। हो गई प्रोग्रामिंग, कितनी क्लियर है, इसी से क्लियर हो जाता है कि सब कुछ मेरी चॉइस है और मेरे कंट्रोल में है। ये डांटेंगे इट्स ओके विद मी, ये डांटेंगे तो आई विल गेट डिस्टर्ब। चीज वही, डांटना वही, शब्द वही, प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है। तो इसका मतलब चीज हैज नथिंग टू डू, इट हैज नेवर एनीथिंग टू डू। यू मीन टू से, हां मैं खुद ही बोल आंसर दे दिया इसका, इट हैज नथिंग टू डू। लेकिन जितनी बार हम डिस्टर्ब हुए, हमने उस चीज को अपने ऊपर हावी होने दिया। लेट से मैं कहूँ आप डांटेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कुछ बोलेंगे तो मुझे बुरा लगता है। तो मैंने अपने अंदर प्रोग्रामिंग क्या कर ली कि आप कुछ बोलेंगे माय माइंड विल एक्सेप्ट एंड आई एम फाइन विद इट, लेकिन ये बोलेंगे तो आई एम टेलिंग माई सेल्फ यू आर अलाउड टू गेट डिस्टर्ब्ड। लेकिन नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, ये बोलेंगे फिर कोई और बोलेगा, फिर कुछ और बोलेगा, कोई और कुछ करेगा, हर बार डिस्टर्ब होते 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 मेरी अपनी शक्ति, इट्स लाइक सेइंग गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती, तो ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते 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 कमज़ोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते 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 ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियाँ बढ़ती जाएंगी। सिस्टर आपने जो कहा था अभी, ये हमारी वीकनेस है, हमारी शक्ति की कमी है कि दूसरे की बात को का मुझ पर इतना असर होता है, तो यहाँ पर भी ये भी तो थॉट एक डिप्रेसिंग ही है ना, कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं कब ठीक हो जाऊँगा, अभी कल उसने ये बोला फिर मैंने ऐसा कर दिया, परसों उसने बोला फिर मैंने ऐसा कर दिया, मैं कब सुधरूंगा, आई एम दूसरे आदमी देखो शक्तिवान है, मैं शक्ति नहीं हूँ, तो ये भी तो एंगल उधर ही लेके जा रहा है ना। इस थॉट को अब चेंज करते हैं कि आज कोई कुछ बोलेगा मैं हूं नहीं, आज मुझे क्या करना है, आज कोई कुछ बोलेगा आई विल फेस इट इन अनदर वे। अगर मेरा नेचर ऐसा बन चुका है तो कहाँ फेस करूं? नेचर बना कैसे? हो गई बात, चलो नेचर जैसे आदत हो गई, आदत बनी कैसे? आदत हो जाती है, आदत सिगरेट की हुई कैसे? पीते पीते सिंपल, फिर छूटती है किसी की या नहीं छूटती? फिर मेहनत, नेवर माइंड। लेकिन आदत बनी कैसे? करते 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 आदत बनी, अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, 10 बार किया होगा, 10 लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता
कई लोगों को आदत हो जाती है, सिस्टर चाय लाया, स्टाफ पूछता है कहाँ रखूँ, बोले मेरे सर पे रख दे। तो मैंने अगर पूछो भी तो फिर टेबल दिख रही है ना उसको, तो क्या करूँ। तो बोलते फिर एक ताने मारने की, और ये एक हैबिट हो ही जाती है। लेकिन बट इट डजंट मैटर, इट इज नॉट इजी। जो आप बोल रहे हैं कि आप अभी आप बोल रहे थे कि जन्मों जन्मों से बच्चा लेके आ रहा है, हाँ, एक चीज, हाँ, तो अच्छा सिंपल ये वाली लेते हैं, हाँ, कि कोई चाय लेकर आया और आपने कहा, उसने पूछा साहब कहाँ रखूं, हाँ, तो बोला सामने टेबल पे चाय रखना है भाई, तो वो नहीं बोला ना, क्या बोला उसकी जगह, मेरे सर पे रख, मेरे सर पे रख। लेट से ये करते करते ये आदत बन चुकी है, ठीक है, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर लाइन, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी कोई बात पूछेगा या करेगा जो आपको लगता है कि इतनी ऑब्वियस आंसर है, फिर ये पूछता है, तो आप उसको सीधा आंसर नहीं देते, ठीक है, आपने ये टेढ़ा आंसर दिया ना। अब अगर आज आप अपने आप को कहते हैं कि दिस इज नॉट अ रॉयल वे ऑफ आंसरिंग, आई लाइक दैट, नॉट अ रॉयल वे ऑफ आंसरिंग, ये अच्छा है, है ना, सी खुद ही हमें रियलाइज होता है, अच्छा लगा, है ना, ये आपको रॉयल वे, तो आई वुड लव टू बी, हाँ, तो अब आप ये बताइए कि रॉयल वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन क्या है। किसी ने आके पूछा ये चाय कहाँ रखूं, आप यहाँ रख दीजिए, सिंपल है। डू यू फील दैट्स मोर कंफर्टेबल? नहीं, आई जस्ट एक्टेड आउट एंड आई फेल्ट नाइस। यू फेल्ट नाइस, बट यू फील दिस इज अ बेटर रिस्पांस? 100% कन्विंस्ड, 100%। लेकिन उसकी बात फिर भी उतनी ही कहे बचकानी थी या सिली थी कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर भी व्हाट इज द वे, द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड? मे बी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपसे बात करते करते कि थॉट आया कि उसके तरह से वो भी राइट है ना, हाँ, कहाँ रखूं, यहाँ वहाँ हाथ में दो, अब ये तो ये भी नहीं पता कि अगर वो बिना पूछे वहाँ रख देता पूछ तो लेता, दूसरे का नजरिया तो अभी सोचा ही नहीं, बच्चे खेल रहे गरम हाथ डाल देंगे, ये करेंगे, इतना भी नहीं सोचा है, वो भी नहीं किया, पूछना चाहिए था रखने से पहले, हाँ। वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, वो तो दूसरे का नजर रोज चलता है मेरे घर में, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते तो चाय कोई टेबल पर रख दिया, मतलब देखो क्या कर दिया तुमने यार, बच्चा हाथ डाल देगा गरम गरम उबलती चाय, यहाँ रखने की जगह है। अब इसको देखते हैं, एक बार सामने वाले ने बिना पूछे रख दिया, ठीक है, तो आपने उसको डांटा और कहा पूछ के रखना चाहिए था, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम कोई नहीं भी होगा रूम में, बच्चे भी नहीं होंगे, तो उसने तो क्या करना है, पूछना है, उसने तो पूछना है, तो इज ही राइट, अपनी तरफ से तो राइट है, बोला वेदर ही इज राइट और ही इज नॉट राइट, अब हमने उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, विच इज माय मोस्ट कंफर्टेबल वे टू रिस्पॉन्ड, मेरा सही जवाब इस समय क्या होना चाहिए। तो आपने भी कहा कि यहाँ रख दो, अब आदत पड़ गई है कहने की सिर पे रख दो, इधर नीचे रख दो, ये टेढ़े आंसर देने की आदत पड़ गई है। आज हमने डिसाइड किया अब वो आएगा पूछेगा, आई विल रिस्पॉन्ड इन अ रॉयल वे, हो जाएगा आज? आज जब तक अवेयर रहूंगा हो जाएगा, नहीं होगा, इट्स जस्ट, इट्स अ सिंपल, अभी इसमें तो, इसमें तो कोई संस्कार की बात नहीं, नेचर की बात नहीं, as long as I'm aware, होगा। आज डिसाइड किया है कि आज वो आएगा ही, इट्स अ रिपीटेड सिचुएशन, सी कुछ सिचुएशंस जीवन में बड़ी रिपीटेटिव होती हैं, रोज आती हैं, ऑलमोस्ट रोज आती हैं, एंड हम ऑलमोस्ट हर रोज उसी आउट ऑफ कंट्रोल वे से बिहेव करते हैं। जब हमने एक ऐसा जवाब दिया जो हमारे लिए सही नहीं था, तो विच मीन्स मेरे मन और मुख ने वो नहीं किया जो मुझे सही लगता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उस बात पर तो गुस्सा आ जाता है कि लोगों ने वो नहीं किया जो सही है, लेकिन वॉट अबाउट जब मेरी ही ये इंद्रियाँ, मेरी इंद्रियाँ हैं ना ये सारी, माय सेंस ऑर्गन्स, वॉट अबाउट जब ये वो चीज़ें नहीं कर रही जो मुझे सही लगती है, तो बीइंग शक्ति मतलब आई एम गोइंग टू टेक बैक कंट्रोल ओवर ऑल दिस जो आज अपने आप चलती है, अपने आप से ये थॉट आई बात सुन के कि ये चीज भी तो वीकनेस हुई है, जो बार बार मैंने जैसे सिगरेट की आदत पड़ी, ये भी बार बार बोलते बोलते ताना मारने की, छिड़के बात करने की एक हैबिट हो जाती है। अगर तो, हमें लगता है कि ये सही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं तो लग रहा है ना, रॉयल तो नहीं लग रहा, रॉयल नहीं है ना, रॉयल नहीं है, हेल्दी नहीं है, इट्स नॉट हेल्दी आल्सो, इट्स आल्सो हर्टिंग द अदर चैप ना, इट्स हर्टिंग द अदर पर्सन, वो तो है ही, लेकिन हर्टिंग उससे ज्यादा, मैं कभी सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा हर्ट किसका हो रहा है अभी डिस्कशन में, सिर्फ मैं अपना ही सोच रहा हूँ, व्हाट अबाउट दैट पर्सन, उस आत्मा को तो तकलीफ होगी,
लेकिन फिर भी क्योंकि बार बार हो रहा है ना, थोड़े टाइम के बाद उस आत्मा को कोई असर नहीं होगा इस बात का। हंसेगा वो बाहर जाके। See if I see you not behaving in a royal way, after some time I will not get affected. But you cannot save yourself from that effect. I tried this thing. Even artificially अच्छा लगता है royal. Artificial. Beginning में. Yes. छोटा छोटा ऐसे, हाँ बेटा यहाँ रख दो, हालांकि कंट्रोल करके, लेकिन फिर उसकी आदत पड़ सकती है बाद में। रॉयल में रहने की हमेशा जैसे इसकी पड़ी उसकी भी पड़ जाएगी। जैसे ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है, अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है, अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना, अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा, होते 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 वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है। सही, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते 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 वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं। It's as simple as that. So this is shakti we have. This is the power we have. अगर हम नहीं चूज करें, हम उसी पैटर्न से जन्म जन्म वर्क कर सकते हैं, लेकिन आज चूज करें तो आज से ही उस ग्रूव में न जाने की बजाय हम कॉन्शियसली शुरू में थोड़ी सी मेहनत कि आज उस तरह से नहीं, एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होगी, थोड़े दिन करने से एक नया पैटर्न बन जाएगा, एक नया ग्रूव बन जाएगा, और थोड़े दिन के बाद हमें कोई अटेंशन नहीं रखनी पड़ेगी, हमें कोई ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, अब कोई भी बात आए, अब कोई भी परिस्थिति आए। राजा के बेटे को अटेंशन रखना थोड़ा ही पड़ता है कि आई एम रॉयल, दैट्स इट, आप खुद बन जाओगे, तो खुद बन जाओगे, लेकिन राजा का बेटा अगर भूल जाए कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया, मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं है, पांचों इंद्रियों के गुलाम, लेकिन कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार, लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, trying to control everybody else. बापरे। It's like driving on the road, अपनी गाड़ी out of control, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी control में रहे। मेरे हिसाब से चले। Result क्या होगा? Accident के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। And most important है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे control नहीं है। उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। बाप रे। ठीक है, एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले। Chaotic situation, chaos, तो यही वो पांच लोग हैं जो एक फैमिली में, एक घर में रहते हैं,
सी आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है. दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल. सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस. पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी. अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना है. एक्सीडेंट कभी होता ही ना. और कोई आ भी रहे तो खुद को स्लो डाउन कर ले, सिंपल, वो निकल गया आगे. सो द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो. और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट. अब अगर सपोज चार की भी नहीं है लेकिन एक भी अपने करना शुरू कर दे तो वो एक भी कितने सारे एक्सीडेंट बचा देगा सारा दिन के अंदर. बाकी चार के साथ तो बचेंगे उसके, तुम जब बाकी चारों के बच गए, चारों के बच गए. सी तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए. दिस इज द पावर दैट वी हैव. लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर. दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे. जितना मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, लेकिन मैं चाहती तो नहीं एक्सीडेंट हो, ठीक है. यहाँ से मैं आ रही हूँ, वहाँ से आप आ रहे हैं, ठीक है. देखो अगेन विजुअलाइज ऑन द रोड, सपोज मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, ठीक है, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू मीट विद एन एक्सीडेंट. तो वट डू आई ट्राई एंड डू ऑन द रोड? आई टेल अदर पीपल, हट जाओ, हट जाओ. मीन्स यू मूव आउट ऑफ माई वे, आप मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मेरे अंदर पावर नहीं है ब्रेक लगाने की या अपना रास्ता चेंज करने की. ठीक है, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड. मेरे अंदर पावर नहीं है तो मैं इशारा करती रहती हूँ कि तुम लोग हट जाओ रास्ते से. अगर आपने कहना मान लिया तो एक्सीडेंट बचेगा, लेकिन अगर आपने नहीं माना और आपने वहां से मुड़ के कहा मेरा भी ब्रेक नहीं चल रहा, या आपने मुड़ के कहा मैं क्यों हटूं, तुम हटो, तो फिर तो एक्सीडेंट होना ही है. आज क्योंकि सारा दिन में मेरा मन बुद्धि कर्म इंद्रिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम हर सारे रास्ते में क्या करने की कोशिश, तो कहीं भी जा सकते. तुम गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक टेस्ट नहीं किया था क्या, देखा नहीं था क्या, ब्रेक नहीं थी तो आए क्यों सड़क पे? उतनी देर में तो हो गया ना एक्सीडेंट. नाउ अगेन गो बैक टू दैट लेडी यस्टरडे, वो एक अलग गाड़ी. उन्होंने आकर कुछ कहा, ठीक है, यहाँ से आप हैं अपनी गाड़ी में, मतलब ये माई माउथ, माई माइंड, एवरीथिंग, माई बिहेवियर, ये है मेरी गाड़ी. अगर कल आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में होती तो फिर वो कुछ कहती भी तो कह के निकल जाते, आपका एक्सीडेंट बच जाता. यू मीन टू से कोई मुझे खाते खाते रोक दे और बोले जानना पहचान, बोले आपको परहेज करनी चाहिए, तो आई शुड कीप क्वाइट, दैट मींस मेरा आउट ऑफ कंट्रोल था. आपका जवाब, जवाब नहीं दूं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन जवाब ऑफ माई चॉइस, जवाब विच इज कम्फर्टेबल फॉर मी, जवाब विच इज हेल्दी एंड हैप्पी फॉर मी. बट एट दैट टाइम आई थॉट कि वो मेरे लिए कम्फर्टेबल था, लेटर ऑन आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल माई सेल्फ. उस क्षण भी कम्फर्टेबल नहीं थे, क्योंकि बात आते ही फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ? चिढ़ गया. चिढ़ गया मतलब गाड़ी गई. ब्रेक अगर लगनी थी उस टाइम, क्योंकि उस समय क्या हुआ, बात आई और माइंड बहुत फास्ट स्पीड पर चला. कितनी फास्ट स्पीड पर माइंड चला, ऐसे क्यों बोला, बोलना चाहिए था, कोई तरीका है, कोई रिश्तेदार है मेरी जो बोल दिया, मैं कोई बीमार हूँ ऐसे बोल दिया. लुक एट द स्पीड, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स ऐसे चलेंगे. ब्रेक लगाओ, बोल दिया, उनका नजरिया उनको सही लगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे परहेज नहीं करनी, और करनी भी होती तो मेरा मन नहीं है अभी परहेज करने का, आई फील लाइक ईटिंग, फुल स्टॉप, फिनिश. Who are you is again कौन सी thought radiate की फिर हमें दूसरे, जैसे आपने कहा ना वो कितना hurt हुआ होगा स्टाफ, ऐसे ही कौन सा तीर हमने सामने वाले को भी मारा, वो तीर भी प्यार वाला होना चाहिए. कि ठीक है आपने बोला, एक
आपने अपने कंसर्न से बोला या दूसरा हो सकता है, इट्स ओके, आपको जो सही लगा आपने कहा, फुल स्टॉप, ब्रेक। कल वो ब्रेक अगर लगती तो कम से कम 2 घंटे की शक्ति बच जाती, 2 hours ऑफ थॉट पावर एंड 2 hours ऑफ द इफेक्ट दैट थॉट पावर हैज ऑन माई बॉडी, ये सारा बच जाता अगर उस क्षण ब्रेक लग जाती। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे वो ब्रेक लगाने की पावर, गाड़ी को अपने कंट्रोल में चलाने की पावर, उस चीज़ को वापस आई हैव टू गेट बैक इनटू कंट्रोल। अब जैसे ही आज जो हमने डिसाइड किया कि कोई आके कुछ कहेगा भी, तो हमारा जवाब देने का तरीका कैसा होगा आज? बीइंग शक्ति एंड रॉयल। रॉयल। एंड आज जब हम वो करेंगे तो धीरे धीरे हम उस थॉट को उस ग्रूव में नहीं जाने देंगे, हम धीरे धीरे एक नया ग्रूव पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। हो जाएगा ना आज? 100%, 100%, वेरी गुड। इस पिक्चर डज अ मेडिटेशन। श्योर, सिट बैक एंड अपने आप को आज देखते हैं। हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बींग। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। व्हेन वी अलाउ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस टू अफेक्ट आवर स्टेट ऑफ बीइंग, आवर इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड quality of sleep get affected. Our vibrations of anxiety radiate to all who are around us and influence them too. When we get disturbed in one particular situation, our emotional strength gets depleted. Now we are more vulnerable to get disturbed when the next stimulus comes. This is why anxiety, stress, irritability escalates during the day. And then during our journey of life, our mind should be convinced that situations, other people's sanskars, their behaviors will not be according to what is comfortable for us. We cannot afford to get disturbed each time. It is our energy loss. One particular way of responding to a situation repeatedly creates a groove in our brain. After a few days, this will become a habitual pattern. We can consciously respond in a different manner and create a new groove.